नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, ये खबर है आपकी ट्रेन के डब्बे से। जी हाँ, ट्रेन के डब्बे से। गली हो, मोहल्ला हो, ट्रेन का डब्बा हो, ट्रेन हो, ऑफिस हो, घर हो, बीच हो, समुंदर का किनारा हो, गली हो, मोहल्ला हो, आखिर कहाँ कोई सुरक्षित है जब तक ये शांतिप्रिय AK-47 लटकाने वाले लोग हैं। क्या बताऊं मैं आपको, अब ये क्या है, अब ये सुन लीजिए। आप जो न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ ये सुन लीजिए। जहीरुद्दीन शेख मुंबई से जोधपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन में हाउसकीपिंग का काम करता था, यानी कि सब साफ सफाई का काम करता था। उसने ट्रेन की टॉयलेट में एक स्पाई कैमरा छुपाकर रख दिया, ताकि जो महिलाएं हैं वो जब वहां पर टॉयलेट करने के लिए आएं तो उनकी वो क्रिया को होता हुआ वो बाद में देखे और हस्तमुथैन करे। आई थिंक मास्टरबेशन को हस्तमुथैन ही बोलते हैं, यानी कि किसी महिला को के चित्र या वीडियो देखकर या उसे कपड़े बदलता हुआ देखकर या उसके प्राइवेट पार्ट्स देखकर अकेले में अपने हाथों से उत्तेजित होकर यौन क्रिया करना, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करना, यानी मास्टरबेशन या फिर हस्तमुथन, मतलब ये जो वर्ड होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इंग्लिश में मालूम है। तो वो ये किया करता था। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों बोल्ड होकर, क्योंकि देखिए हमारे हिंदुओं की प्रॉब्लम क्या है, हम शिष्टाचार की वजह से कई बातें बोलते नहीं हैं, शर्मा जाते हैं, और ये हर गंदी हरकत कर जाते हैं। हम बताने में शर्माते हैं लेकिन ये करने में नहीं शर्माते हैं, इसलिए हमें अब बोलना होगा। अगर हम नहीं बोलेंगे और कई लोग आके कहेंगे इन्हीं के नकली आईडी, ओहो लड़की हो इतने गंदे शब्द बोल रही हो, तुम तो बड़ी सेक्सी बातें करती हो। इसलिए मैं इनकी औकात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये इस तरह से मुझे रोकना चाहते हैं ताकि मैं शर्म करूं, या फिर ये मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काएं, और भड़काते भी हैं। कई बार मुझे घर से भी कहा जाता है कि ये मत बताओ, तो फिर भी मैं बता रही हूँ। तो वायुसेना के अधिकारी जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक पावर बैंक पड़ा हुआ है, तो थोड़ा और देखते हैं तो पता चलता है कैमरा भी है, तो वो तुरंत टीटी को आवाज़ मारते हैं। टीटी आने से पहले ये जहरुद्दीन शेख दौड़ कर आता है और मेमोरी कार्ड निकालता है और चबा के निगल जाता है। ये हरकत इसकी होती है। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, पुलिस आती है, पुलिस इसको तुरंत गिरफ्तार करती है, नौकरी से भी शायद इसको निकाल दिया गया क्योंकि करता था ये कहा जा रहा है, तो इसको नौकरी से भी शायद निकाल दिया गया, इस तरह की इसकी हरकत रही। अब आप मुझे बताइए, आपने इसको जेल पे तो डाल दिया, जब एक आतंकवादी मरने से नहीं डरता, उसको लगता है कि वो काफिरों को मारने से जन्नत नसीब कर रहा है, और एक आदमी जो औरतों के टॉयलेट करते वक्त उनके जिस्म को देखना चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि उनके शरीर से पेशाब कैसे निकलती है, उनके शरीर से मलमूत्र कैसे निकलता है, उसको देखकर उसको उत्तेजना होती है, या वो अपने कपड़े वहाँ पर बदल रही हैं तो उसके स्तन देखकर उसको उसकी काया दे, ये किस प्रकार के लोग हैं मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। जो मेरे पास, दूसरी लड़की के पास, वहाँ आदमी भी आते होंगे, आदमियों को भी देखता होगा, कुत्ते सुरक्षित नहीं, बच्चे लड़के सुरक्षित नहीं, लड़की सुरक्षित नहीं, पेशावर वगैरह में पाकिस्तान में तो जो छोटे छोटे हैंडलर्स होते हैं, जो हैंडलर इन द सेंस उसको क्या बोलते हैं, जो ट्रक वालों के साथ जाते हैं, वो लोग लड़कों के साथ बलात्कार होता है, इन्हीं के जमात के लोग हैं ना, इन्हीं की कौम के, लड़कियां सुरक्षित नहीं। अगर सोचो वहाँ पर पूरे इस्लामिक मुल्क है, तो वहाँ हीरा मंडी खोल रखी है, लड़कियों की तख्त लटका के ISIS वाले लड़कियों की बोली लगाते हैं, और पहले पुराने ज़माने में भी बोलियां लगाया करते थे। अब आप ये देखिए,
ये लड़कियों के ये इतने सभ्य देश में, भारत में होकर भी, जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र का राज है, वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इनको किस प्रकार की छूट मिल रही है। और कई लोग तो जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हुए पकड़े गए हैं, जो एक लड़की जाहिल सी, गंवार सी, जिसको मैंने देखते ही कह दिया था ये बांग्लादेशी है, ये भारत की लग ही नहीं रही है। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुस्लिम लड़कियां भी गाली देती हैं, मुझे लगता था मुस्लिम लड़कियां गाली नहीं देती हैं, लेकिन वो मेरी गलत फहमी जल्द ही दूर हो गई थी हैदराबाद में। तो वो जो लेकिन जिस प्रकार से वो देती थी, तो उसके बोलने का ढंग उतना गंदा इंडिया के नहीं देते थे, तो उसके बोलने के ढंग से मैंने कह दिया था घुसपैठिया है। तो हुआ भी ऐसा ही, वो निकली किसी इंजमामुल हक की भतीजी भांजी, और 12 साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से, बांग्लादेश बांग्लादेश से भारत आई थी। तो ये लोग हमारे देश में आके, आप इनको आधे से ज़्यादा को पकड़ेंगे जो नौकरी भी कर रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10-15 साल पहले या 5 साल पहले भारत आए हैं और एक काम पे भी लग जा रहे हैं। ऐसे ही बेंगलोर में एक कूड़ा बिनने वाले से पूछा किसी ने, तुम कहाँ से आए हो, तो बोला हम 6,000 फैमिली हैं और हम बांग्लादेश से आए हैं। तो आप सोचिए, 100-100 रुपये में जो काम हमारे लेबर 250-300 रुपये में करते हैं, वो 100-100 रुपये में कर रहे हैं, और हमारे लोग इतने बेवकूफ़ हैं उनको 100 रुपये में रख ले रहे हैं पर डे के, ताकि उनको सस्ता पड़े। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उस एक आदमी के घर में 12-15 लोग और हैं, जो कल को उसके घर की देखी करके आज कल को उसी का मर्डर करेंगे। आप लोग बहुत अवेयर हो जाइए, इनसे कुत्ता बिल्ली जानवर कोई सुरक्षित नहीं है। गाय के साथ ये संभोग कर लेते हैं, बैल के साथ ये संभोग कर लेते हैं, कुत्ते गधे के साथ ये संभोग कर लेते हैं। जानते हैं इनमें क्या कहते हैं कि अगर एक औरत नमाजी के पीछे से गुजर जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। औरत, कुत्ता, गधा, यानी कि तीन कैटेगरी एक में डाल रखी है इन्होंने, औरत को भी इसमें डाल रखा है। हर चीज़ को वस्तु समझते हैं, हर चीज़ के साथ संभोग करना चाहते हैं। आखिर ये किस तरह के विकृत लोग हैं? आप ये, जब मैं ये खबर सुनाती हूँ, ये कहते हैं कि देखो हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन जब तुम सुधरते ही नहीं हो, तुम्हारी किताबों में लिखा तो मैं क्या करूँ, या तो किताब पढ़ना बंद करो या उसमें सुधार करो। कितनी गंदी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ऐसे किसी धार्मिक ग्रंथ में कैसे लिखी जा सकती हैं? किसी को मर्डर करने की बात कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि जो तुम्हारे धर्म को ना माने उसको मार दो? फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं, एक तरफ कहेंगे वो जबरदस्ती मत करो, फिर एक तरफ कहेंगे कि उसको पकड़ो, उसको डराओ, उसको छोटी वाली छुरी से रौंद दो। क्या है, सब समझते हैं तुम्हारी हरकतें, सब जानते हैं किस प्रकार का ये रोग है। बंद करो, ये बहुत हो रहा है, गलत है। और सरकार को भी अब सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है कि इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त ना करे, त्वरित कार्रवाई करे। हम जैसे लोग इनके बारे में सोच सोच के बीमार हो जाते हैं, नींद नहीं आती है मुझे, ये सब क्या हो रहा है? दोस्तों, आप लोग जन चेतना जगाओ। किसी होटल में जाते हो तो पहले देखा करो वहाँ का स्टाफ कौन है, कैसा है, क्या है। और प्लीज़, औरतें, लड़कियाँ, बच्चियाँ जितनी हैं, और इवन लड़के भी, देखिए कि आप जब बाथरूम जा रहे हैं किसी होटल के, या किसी ऐसे व्यक्ति के घर में, या किसी ट्रेन में, कहीं पर भी, इवन प्लेन में, प्लीज़ चेक करिए कि वहाँ कोई कैमरा वैमरा तो नहीं रखा है, ठीक है ना? देखिए, चेक करिए, आप होटल के रूम में चेक करिए, आप पति पत्नी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं, आप प्लीज़ देखिए। पहले तो अनैतिक काम करिए मत, लेकिन अगर आपका वैवाहिक बंधन भी है तो आप वहाँ जाके देखिए कहीं आप असुरक्षित माहौल में तो नहीं है। टॉयलेट की सीट के नीचे, टॉयलेट की सीट के साइड में, या कहीं पिन कैमरा तो नहीं लगाया है? जो बल्ब होते हैं उसमें तो कोई पिन कैमरा नहीं लगा है, ये ज़रूर देखिए प्लीज़। और दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया है तो घबराइए मत, प्राकृतिक तौर पे हम सब एक जैसे हैं, लड़कियां सब एक जैसी हैं, लड़के सब एक जैसे हैं। अब ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस में कंप्लेन करें और त्वरित कार्रवाई की मांग करें। हालांकि इसे तो पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है, पर इस मानसिक विकृति का अगर इलाज नहीं करा गया समय रहते, तो आप बहुत कुछ अपने परिवारों में खो देंगे, कई लोग डिप्रेशन से मर जाएंगे।
कई लोगों के साथ कई अलग दुर्घटनाएं हो जाएंगी। कृपया इस समाज को बिखरने से बचाएं और ऐसे जिहादियों से, ऐसे जाहिल गंवारों से अपनी बेटियों को और खुद को, स्वयं को भी सुरक्षित करें, क्योंकि ये लोग एक तरह से लड़ाई का भी जानबूझ के एक सीन लेकर आते हैं जिससे आप लड़े मरें और फिर लड़ाई हो और ये आपको मारने का वो करें। अगर ये बच जाएं तो फिर ये कह देंगे कि देखो सीट को लेकर अगर बवाल हुआ है या इस बात को लेकर हुआ है तो इसमें भी विक्टिम कार्ड खेल देंगे, कहेंगे क्योंकि मैं मुस्लिम था इसलिए मुझे प्रताड़ित करा गया, इसलिए मुझे नौकरी, ये सब कार्ड है इनका, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। अब तो विदेशों में भी इस तरह की बातें करते हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। चलिए दोस्तों, ये न्यूज़ आपको बतानी थी और आती हूँ दूसरी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, सजेशन दीजिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।